Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और हम लोग आज मिल रहे हैं complete 4 दिन के बाद I guess Friday, Saturday, Sunday and आज का दिन Monday पूरा. तो आप रात को देख रहे हो या Tuesday को ये vlog देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा हम 4 दिन से नहीं मिले हैं बिकॉज मैंने अच्छा खासा रेस्ट ले लिया है 4 दिन से. जैसे आए जब से काम 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 हुए जा रहे हैं, मतलब मुझे अपना टाइम ही नहीं मिल रहा था अपने आप के साथ स्पेंड करने के लिए. तो मैंने 4 दिन इतना रेस्ट किया है, मतलब अच्छा लगा, मतलब एक रिफ्रेश हो गया है पूरा माइंड रिफ्रेश हो गया. सनी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, हमने नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखी. बहुत अच्छा गया वीकेंड. एंड आज है मंडे, तो आज कल मैंने बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी, तो वो बिरयानी रखी हुई है. तो सनी के लिए शाम का डिनर तो हो गया एंड मेरे लिए भी है, राइस एंड दाल वगैरह है तो वो भी है. तो मेरा आज कोई भी डिनर बनाने का भी कोई प्लान नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अपने आप को सेल्फ पैम्परिंग सेशन दूँ घर पे ही, क्योंकि मैं बाहर तो जाती हूँ नहीं ये सब कुछ कराने, एक्सेप्ट मैं ये पेडिक्योर वगैरह कराने के अलावा ना, मैनीक्योर वगैरह, उसके अलावा मैं यहाँ पे सैलून सर्विसेज लेती नहीं हूँ. सिर्फ कभी कभार कुछ प्रमोशन आते हैं ना तो तब मैं कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करती हूँ, उसके अलावा मैं कभी ऐसे ट्राई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन भी सेंसिटिव है एंड प्लस मैं जानती हूँ मेरी चीज़ों को, मैं क्या कर सकती हूँ. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद को ही कर लूँ सब कुछ, तो आज मैं वही करने जा रही हूँ. सबसे पहले तो मैं अपने आईब्रोज बनाऊंगी. आपको ऐसे दूर से नीट लग रहे होंगे बट पास आके देखो ना तो देखिए बहुत ग्रोथ हुई है. तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज बनाऊंगी, उसके बाद मैं फेस मास्क लगाऊंगी, फिर मैं ब्लैक हेड रिमूवर का मास्क लगाऊंगी, नोज पे स्ट्रिप, ब्लैक हेड स्ट्रिप लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं बालों में दही का मास्क लगाने का सोच रही हूँ. दही लगा के फिर मैं स्टीम कर लूँगी बालों को. और उसके अलावा क्या करें, आई थिंक इतना ही है और कुछ नहीं. हाँ, नेल्स भी कर लूँगी आज मैं फाइनली. तो यही है, चलिए आज के दिन का शुरुआत करते हैं, इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं. और हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ लगना क्या है, एक्चुअली कल वैलेंटाइंस डे है. आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि वैलेंटाइंस डे के लिए मैं पैम्परिंग कर ले रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली आज मैं फ्री हूँ तो इसीलिए मैं कर रही हूँ. और वैलेंटाइंस डे के लिए ऐसा कुछ हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे इस बार कुछ भी. आई थिंक हम बाहर जाके खाएंगे या फिर मैं कुछ स्पेशल बनाने का सोचूंगी कल, जो चीज़ें सनी को खाने के लिए पसंद है. ऐसे जैसे लास्ट ईयर मैंने क्या किया था मालूम, ब्रेड को मैंने हार्ट शेप में कट करके कुछ कुछ करके ऐसे दिया था मैंने, तो वही सब कुछ करेंगे. एंड या कल वैलेंटाइंस डे है, जो लोग भी मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे उन सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से मनाइएगा. एंड हाँ, चलिए ये सेशन को शुरू करते हैं. अभी सबसे पहले तो मैं शीट मास्क वगैरह निकाल के रखती हूँ अपने फेस का, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मास्क हैं. देखिए मेरे पास काफ़ी सारे शीट मास्क हैं, बट इनमें से आज हम कौन सा यूज़ करेंगे, लेट्स सी. ये है पोमोग्रेनेट का, ये अच्छे होते हैं, मतलब स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं ना तो अच्छे रहते हैं. और ये एक ग्रीन टी का मास्क है, बट आज मुझे ग्रीन टी लगाने का मन नहीं है, मुझे अच्छी खुशबू वाला मास्क चाहिए. अरे कुछ तो गिरा. और एक और है, कुछ 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 हैं, ये बहुत सारे हैं. एंड हाँ, ये वाले मास्क मैं सर्बिया से लाई थी, यूरोप से, जब मैं वहाँ गई थी. और एक और है मास्क, ये बॉटल शेप में रखी, ये भी शीट मास्क ही है. बहुत सारे हैं मेरे पास. और उसके बाद हाँ, आँखों को भी पैम्पर करेंगे, तो आँखों के लिए मेरे पास स्टीम मास्क है, स्टीमिंग मास्क. इसको ना ऐसे आँखों के अराउंड ना आप कोकोनट ऑयल लगा के थोड़ा मॉइस्चर के लिए या फिर मॉइस्चराइजर लगा के फिर इस मास्क को आपको खोल के लगा लेना है आँखों पे. एंड जैसे ही आप इस पैकेट को खोलोगे ना, ये मास्क ना गर्म होता हुआ जाएगा, अपने आप से गर्म होता है. इसमें कुछ होता है अंदर, वो गर्म होता है, मतलब ऐसा गर्म भी नहीं कि जला दे आपकी आँखों को, बट देन एकदम सूदिंग इफेक्ट देता है आपकी आँखों को. तो ये मास्क वो है, तो इस मास्क को मैं लगाने का सोच रही हूँ आज. और ये क्या है, कोलाजिन शॉट बोलते हैं ये मास्क, कौन से, ये मैं पहली बार आई थिंक देख, मैं लाई हूँ बट मुझे पता नहीं था ये एक है. तो देखते हैं कौन सा लगाते हैं आज, जब बहुत ऑप्शन होते हैं ना वो भी कंफ्यूजिंग हो जाता है. आई थिंक मैं पोमोग्रेनेट वाले के साथ ही जाऊँगी आज. डिसाइड करते हैं, मैं इसको ना ऐसे दबा दबा के देखूंगी, जिसमें ज़्यादा मुझे एसेंस दिख रहा है ना वो वाला लगाएंगे. आई थिंक ये अच्छा लग रहा है मुझे, स्नेल वाला मास्क है कुछ तो ये. सबसे पहले आईब्रोज बनाते हैं, बाद इसके बाद ना नेल्स डिसाइड करती हूँ मैं. तो सबसे पहले आईब्रोज बनाने के लिए ना बालों को अपने टाई कर लेंगे हम,
ताकि बाल बीच में आके डिस्टर्ब ना करे। एंड आपको पता है मैं जो फेशियल ब्लेड होता है उससे ही मैं अपने आईब्रोज बनाती हूँ। तो देखिए ऐसे दो हैं, इसमें से कौन सा ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है वो वाला मैं यूज़ कर लूँगी। और एक कॉटन लेते हैं वाइप करने के लिए, और थोड़ा सा मैं पाउडर लगा लूँगी आसपास। ये हमेशा मैं ब्राउज बनाते वक्त ना क्या करती हूँ मालूम, मैं मेरे पास एक मिरर है उसको मैं लेती हूँ। आइकिया में ये वाला मिरर इजीली अवेलेबल है, ये देखिए ऐसा वाला मिरर जो होता है ना ये आइकिया में अवेलेबल है, तो आप ये ले सकते हो। क्योंकि इसमें दो टाइप का होता है, एक ये नॉर्मल है एक ये माइक्रो जूम इन वाला है। तो इसमें ना बहुत क्लियरली दिख जाते हैं कहाँ बाल हैं कौन सा निकालना है, तो ये मिरर यूज़ करती हूँ मैं। चलिए चलते हैं। एंड अभी देखिए थोड़ा सा मैंने पाउडर लगाया है आसपास। यार ये फ्लाइट इतनी उड़ती है ना घर के पास से, हमेशा बैकग्राउंड में आवाज़ आती है। थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है मैंने आसपास ताकि ना सरफेस एकदम स्मूथ हो जाए। हमेशा ना फेस पे जब आप ब्लेडिंग कर रहे हो तब आप मॉइस्चराइज़र या कुछ क्रीम लगा लीजिए चेहरे पे, बट आईब्रोज जब करना है ना तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पाउडर लगाइएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ये ऐसे जब आप पाउडर लगाते हो तो मेरा एक्सपीरियंस है कि होल्ड मिलता है अच्छा सा, अगर आप क्रीम लगा के करते हो तो एकदम से ब्लेड स्लिप हो सकता है। मेरा यहाँ पे दो बार कटा है तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोल रही हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं ये ब्लेड को भी ना थोड़ा सा इससे क्या बोलते हैं सैनिटाइज़र डाल के ना इस ब्लेड को थोड़ा सा मैं क्लीन कर ले रही हूँ ताकि इस पर कुछ भी गंदा हो तो निकल जाए इस ब्लेड पे एंड ये ब्लेड क्लीन रहे। देख सकते हो एकदम नीट एंड परफेक्ट हुए हैं। एंड इस बार ज़्यादा ग्रोथ हुई थी तो शेप देने में भी आसानी थी मुझे। एंड जब आप इसे घर पे कर रहे हो ना आईब्रोज, तो आप क्या कीजिए पहले आप आईब्रोज को ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको शेप कौन सा चाहिए आपको पता लगना चाहिए, एंड उसके बाद आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैं ये एंगल शेप देती हूँ हमेशा मेरे ब्राउज को, तो एंगल ही है। तो दैट्स इट, डन है। अभी मैं फटाफट से है ना ये भी कर लेती हूँ, क्या ये लगा लूँगी सबसे पहले, उसके बाद फेस मास्क लगाऊंगी। ठीक है, सभी देखिए ये भी हो गया एंड मिलती हूँ मैं 15 मिनट्स के बाद। और यदि कैसी रेडनेस आ गई, स्किन बहुत सेंसिटिव है मेरी। सभी मैंने अपना ब्लैक हेड स्ट्रिप निकाला है एंड ऑलमोस्ट नाक बहुत क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है। स्मूथ फील होता है जब आप टच करते हो उसको। तो अभी बस बैठी थी मैं एंड मेरे लिए एक पार्सल आया है। मैं एक्चुअली इस चीज़ को ऑर्डर की थी, काफ़ी दिनों से चाहिए था मुझे ये, तो फाइनली आज आ गया एंड बहुत जल्दी आया। सिंगापुर का ही लोकल था ये सेलर, इलेक्ट्रिक लाइटर, ये कुछ ऐसा होता है। ये देखिए इससे ना कैंडल जला सकते हो, कोई भी चीज़ जला सकते हो। मतलब अभी देखिए जैसे कैंडल होते हैं ना, इसके अंदर ना मैचस्टिक मिलते हैं एक अलग वाले, इतने लंबे वाले, एक मैचस्टिक एक इतनी लंबी होती है, वैसे वाले भी मिलते हैं, बट वो मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाता है। वो मैचस्टिक ना 12 मैचस्टिक आते हैं एक बॉक्स में, उसका ही $4-5 के आते हैं। तो अब देखिए कैंडल के अंदर, जैसे अब ये अंदर तक जा चुकी है कैंडल, तो इसको जलाने के लिए ना छोटी मैच बॉक्स से नहीं जलता है, तो ये वाला ना स्पेशल लाइटर होता है। इसमें कुछ भी बीच में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, मगर ये USB से चार्ज होता है। इसको चार्ज करके रखने का एंड फिर जब भी आपको कैंडल जलाना है जला सकते हो। मैं आपको एक बार ही दिखाती हूँ अभी जला के कैसे जलाते हैं। देखिए कुछ ऐसा है एंड ये बेंडेबल भी है, अगर आपकी कैंडल कहीं ऊपर से वहाँ से बेंड करके भी आप इसको जला सकते हो। तो इसको अभी हम पहले, अच्छा ऑन हो गया एंड बैटरी फुल है इसमें, चारों लाइट्स ऑन है। वो इसमें से आवाज़ आ रही है, दिख रही है आग, यहाँ देखते रहिएगा बीच में। देखिए तो अभी मैं कैंडल जला के दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है आइए। देखिए ये रही मेरी कैंडल, ठीक है अब इसको जलाते हैं एंड ये मतलब हवा में वगैरह सब में आप जला सकते हैं। देखिए देखिए कैंडल जल गई ना,
बहुत अच्छी लगी मुझे ये। एंड इसको बंद करो तो ये बंद हो जाता है, फिर इसको चार्जिंग यहाँ से करना है, एंड ये टांगने के लिए भी इन्होंने कुछ यहाँ पे हुक दे रखा है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये। अभी कैंडल जलाना नहीं है मुझे, बस ट्रायल करना था। और कैंडल है ये, देखिए इतना अंदर तक जा चुका है इसमें, तो अभी इसको भी जलाते हैं। देखिए बहुत मस्त लगी मुझे ये चीज़। इस व्लॉग को दिन में शुरू किया गया था, बट देन अभी रात हो गई है, ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं। एंड आज का व्लॉग काफ़ी लेट आने वाला है, क्योंकि अभी मैं अपना पैम्परिंग सेशन पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि शाम को जहाँ पे मैंने थ्रेडिंग की थी एंड फिर पैच लगाया था नोज पैच, उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा मास्क भी वहीं पड़ा है। मैं सीरीज़ देखने में बिजी थी। कौन सी सीरीज़ थी वो? फर्जी, शाहिद कपूर वाली मस्त वाली सीरीज़ है, आप देखना नेटफ्लिक्स पे। तो वो देखते देखते ऐसे पूरी शाम बीत गई, फिर डिनर खाया, फिर हमारा ओनर आया था, क्योंकि मेरे गेस्ट हाउस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे होके ना टाइम बीत गया। तो अभी रात को मैं अपना सेशन कंप्लीट कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड ऑल्सो लिप्स के लिए एक मास्क मिलता है, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए ऐसा वाला मास्क मिलता है लिप्स के लिए, तो ये है ना, अगर आपके चाप्ड लिप्स हैं या फिर ड्राई हैं ऐसा है ना, तो ऐसे वाले मास्क मिलते हैं, आई थिंक ऑनलाइन में मिल जाएंगे ये। आप है ना ऐसे ही लगा के 15-20 मिनट के फिर इसको हटा दीजिए। ये बस शीट जैसा होता है, एकदम जेली वाला टाइप होता है, जिसे अंडर आई पैच मिलते हैं ना, तो वैसा वाला होता है। तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, तो वो भी मैं अभी लगाऊंगी थोड़ी देर बाद। फर्स्ट सबसे पहले भी मैं बालों में ना थोड़ा सा योगर्ट लगा रही हूँ, योगर्ट एंड ऑलिव ऑयल को मिक्स करके वो लगा रही हूँ मैं, तो वो लगा के फिर उसके बाद आपको मिलती है। तो अभी मैंने योगर्ट लगा लिया है अच्छे से, ऑलिव ऑयल के साथ योगर्ट को फेंट दिया, वो थोड़ा वॉल्यूम कम करो, ऑलिव ऑयल एंड दही को अच्छे से फेंट लिया, तो थोड़ा सा फोमी फोमी जैसा बन जाता है, तो एप्लीकेशन में बहुत इजी हो जाता है। तो अभी लास्ट एपिसोड बचा है उस सीरीज़ का, तो वो देखने के पहले मैं अपने फेस शीट को लगा लूँगी, मास्क को, फिर मैं आराम से लेट जाऊँगी। देखते हुए मैंने कौन सा लगाया है, रिवाइटलाइजिंग मास्क है। ओहो खुशबू बड़ी प्यारी है ये, आई थिंक क्यूक्यूम्बर की है ये, क्यूक्यूम्बर एंड ग्रीन टी है मिक्स आई गेस। तो ये एक लगाते हैं फिर। सनी हमेशा हंसते हैं जब भी मैं फेस शीट लगाती हूँ ना, बहुत हंसते हैं वो मेरे ऊपर। चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में ये पूरा सूखने के बाद। और ये लिप्स वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा होता है ये। ओके सो ये कुछ ऐसा होता है लिप्स के शेप का, इसको बस आपको होठों पे लगाना है। सीधा लगाया कि उल्टा? हाँ ये सही है। तो इसको ना ऐसे लगाने का, होठ ना सॉफ्ट। अभी फाइनली कितने 2 बजने जा रहे हैं, अभी जस्ट मैंने बाल धोए। आई नो आज का टाइम टेबल बहुत ही ख़राब था ना मेरे, मतलब पूरा तरीके से मैंने ग्रूमिंग भी नहीं की, जैसे मैंने बोला था कि नेल्स वेल्स कर लूँगी वो भी नहीं किया मैंने। मैंने सोचा कि चलो मैं अभी भी सीरीज़ देख रही हूँ तो उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, तो उस चीज़ पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई वॉज डूइंग विच वॉज मेकिंग मी हैप्पी। तो हमने टाइम स्पेंड किया अच्छे से, सीरीज़ देखे, मस्त है वो सीरीज़ देखना आप, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मेरे लैशेस के बारे में पूछ रहे थे, तो डिटेल्ड वीडियो बनाओ उसके ऊपर वगैरह बोल के, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक
पार्ट होता है अपने बॉडी का, आंख, ठीक है। तो उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, कुछ लोग मेरे पे भरोसा करके करा ले, फिर कुछ गलत हो जाए, ऐसे होता नहीं, मेरे साथ टच वुड अभी तक हुआ नहीं है, बट यू नेवर नो कैसे आर्टिस्ट होते हैं, वो सही होते हैं या गलत होते हैं। तो इसलिए मैं आज तक कभी भी वो रिस्क लेने ही नहीं जा रही हूँ कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ एंड आप लोगों को सजेस्ट करूँ। अगर आप लोगों को बनवाना है तो आप जाके बेशक बनवा सकते हो, बट देन मैं उसके बारे में वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी सब कुछ मेरा स्किन केयर रूटीन वगैरह हो चुका है, अब मैं इस व्लॉग को एडिट करके फिर अपलोड करूंगी। कल मिलते हैं मेरे एक और डेली व्लॉग के साथ। देखिए जो मम्मी के पास से मैंने टॉवल लाए थे ना, पतले वाले मम्मी ने टॉवल दिए बोली थी, तो ऐसे बालों के लिए बहुत अच्छे से काम आते हैं, इससे बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, वो पानी ना बहुत अच्छे से खींच लेते हैं, एकदम पतले टॉवल हैं ये। तो अभी ये सेकेंड टॉवल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टॉवल मैंने धो दिया था लास्ट वीक जब मैं बाल धोई थी, तो अभी मेरे पास 3-4 बचे हैं। मम्मी ने काफ़ी सारे टॉवल लिए पतले वाले, तो मुझे बहुत पसंद है ये, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इन टॉवल्स को ना। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ टुमारो। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय।